दोस्तों, प्रकृति में बहुत कुछ ऐसा है जो हम सभी को हैरान करता है। इन रहस्यों को कई बार वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाते। ऐसा ही डेथ वैली नेशनल पार्क को लेकर भी कहा जाता है। ये जगह अमेरिका में पूर्वी कैलिफोर्निया और नेवादा के बीच है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ का तापमान काफी ज्यादा रहता है। पूरी दुनिया में इसे एक भूतिया शहर और रंगीन चट्टानों के कारण जाना जाता है। लेकिन डेथ वैली का एक रहस्य और है, वो यह है कि यहाँ के पत्थर खुद से चलते हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए जानते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों, डेथ ऑफ वैली को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर चट्टाने खुद चलती हैं। लेकिन इसके पीछे का क्या कारण है, इसको लेकर अलग अलग कहानियां हैं। जानकारी के मुताबिक पहली बार 1948 में पता चला था कि वहां पर पत्थर चलते हैं। इतना ही नहीं, पत्थरों के आगे बढ़ने का निशान वहां जमीन पर जमी हुई धूल पर पड़ जाता है। वहीं हाल ही में वहां वैज्ञानिकों ने कुछ पत्थरों में GPS ट्रैकर भी लगाकर देखा, जिससे उन पत्थरों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। दोस्तों, डेथ ऑफ वैली को लेकर अलग अलग वैज्ञानिक अपनी बात रखते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि धूल के बवंडर की वजह से पत्थर आगे की ओर बढ़ते हैं। वहीं कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस विशालकाय झील के इलाके में अक्सर काफी तेज तेज हवाएं चलती हैं। इन हवाओं की वजह से पत्थर आगे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन किसी वैज्ञानिक ने अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं दिया। लेकिन नासा के एक वैज्ञानिक राफ लॉरेंस ने सही वजह बताने का दावा किया। उनके मुताबिक झील की सतह पर कुछ पानी रहता है जो ठंड के वक्त जम जाता है। वहीं झील की सतह पर कुछ पत्थर मौजूद हैं, जिसके नीचे का पानी पत्थर बनकर उनसे चिपका रहता है। लेकिन जब मौसम गर्म होता है तो पत्थर से चिपका बर्फ पिघल जाता है और झील की सतह पर थोड़ा पानी जमा हो जाता है। वहीं जब हवा चलती है तो दबाव पड़ने की वजह से पत्थर आगे की ओर खिसकने लगता है और बर्फ की वजह से झील की सतह पर निशान पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, फिर भी अभी तक ये रहस्य एक रहस्य ही बना हुआ है। वैसे दोस्तों, क्या आपको इसके पहले तक डेथ ऑफ वैली के बारे में पता था? अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।